नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। आज हम राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपके लिए, परीक्षा उपयोगी जो कंटेंट है वो आपके लिए तैयार करके लेके आए हैं, ताकि आपके कीमती समय को बेहतर बनाया जा सके, आपकी तैयारी को मजबूत किया जा सके। तो अपन चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला अपना प्रश्न है कि तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ? तो तेजा जी का जन्म नागौर के खरनाल में हुआ था। तो जिला कौन सा है? नागौर। धन्ना किनके शिष्य थे? धन्ना रामानंद के शिष्य थे। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जांभोजी। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि देव नारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है वो कहां स्थित है? आसिंद भीलवाड़ा में। रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? अजमल जी। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल। गोगा मेड़ी कहां स्थित है? हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी का संबंध किस लोक देवता से है? तो ये गोगा जी से संबंधित है। गोगा मेड़ी कहां स्थित है? हनुमानगढ़ में। गोगा जी का जन्म कहां हुआ था? ददेरवा में। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि गोगा जी का जो पूजा स्थल है वो किस वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं? तो गोगा जी के पूजा स्थल खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। तेजा जी का जन्म स्थल है खरनाल। बाबू जी का जन्म स्थान, या कहें कि बाबू जी का जन्म कहाँ हुआ, तो ये हुआ कोल्लू, जो कि फलोदी में है और जिला जोधपुर है। ऊँटों के देवता माने जाते हैं बाबू जी। जब कोई ऊँट बीमार हो जाए तो बाबू जी की फड़ बचवाई जाती है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है? तो वो है बाबू जी। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। ये महत्वपूर्ण कंटेंट आपके लिए परीक्षा उपयोगी है, और आपके यहाँ बिताई हुई एक एक सेकेंड कीमती होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है और आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि रामदेव जी का मेला कब भरता है? तो रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, बाबरे बीज, बीज यानी द्वितीया शुक्ल पक्ष की है, भाद्रपद माह है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है रामदेव राय यानी रुणेचा किस जिले में स्थित है? तो ये जैसलमेर जिले में है। ऊपर हमने देखा कि रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, तो उडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। रुणेचा यानी रामदेवरा कहाँ है? ये जैसलमेर में है। रामदेव जी के पूजा स्थल क्या कहलाते हैं? थान कहलाते हैं। किस लोक देवता के अनुयायी 13 ताली नृत्य करते हैं? तो ये रामदेव जी के जो शिष्य हैं या अनुयायी हैं, वो रामदेव जी के लिए 13 ताली नृत्य करते हैं। कौन से लोक देवता पंच पीर में नहीं गिने जाते? तो तेजा जी को पंच पीरों में नहीं गिना जाता है। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये धन्ना को दिया जाता है। धन्ना का जन्म कहाँ हुआ था? टोंक में। धुवन गांव है वहां पे, टोंक जिला है और गांव है वो धुवन है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि पीपा कहाँ के शासक थे? तो पीपा गागरोन के शासक थे, गागरोन झालावाड़ में है। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जांभोजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जांभोजी का जन्म पीपा सर नागौर में हुआ था। विष्णुई संप्रदाय के अनुयायी कितने सिद्धांतों का पालन करते हैं? तो ये 29 नियमों का, 20 + 9 29 नियमों का पालन करते हैं, और इसे कहते हैं विष्णुई 20 + 9। और विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक हमने देखा जांभोजी, और जांभोजी का जन्म स्थल है वो पीपासर नागौर में। लोक संत को कौन से लोक संत हैं जिनको पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है? तो ये जांभोजी, क्योंकि जो 29 नियम हैं विष्णुई संप्रदाय के, इनमें सबसे ज्यादा जो नियम है वो पर्यावरण को बचाने से संबंधित है, वन और वन्य जीवों को बचाने से संबंधित है। इसलिए ये जो लोक संत हैं जांभोजी, इनको पर्यावरण वैज्ञानिक या पर्यावरण रक्षक भी कहा जाता है। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म कब हुआ था? 1482 में, और ये हुआ था कतरिया सर बीकानेर।
तो कतरिया सर बीकानेर से किसका संबंध है? जसनाथ जी का। तो जसनाथ जी ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? जसनाथी संप्रदाय का। और जसनाथ संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं, और अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है ये अपन नृत्य वाले में देखेंगे, जो राजस्थान के महत्वपूर्ण नृत्य और नाट्य हैं उस चैप्टर में अपन इसको और भी अच्छे से देखेंगे। सिंधु धड़ा और कोडा नामक ग्रंथों का संबंध किससे है? तो ये जसनाथ जी से संबंधित है, सिंधु धड़ा और कोंडा। संत लाल दास जी का संबंध कहां से है? तो अलवर से है, जो कि मेवात क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट अपने प्रश्न है, राजस्थान के कबीर दादू दयाल का जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। हुआ कब? 1544 में। राजस्थान के कबीर कौन कहलाते हैं? दादू दयाल। किस संत ने अकबर से भेंट करते हुए फतेहपुर सीकरी की भी यात्रा की थी? तो दादू दयाल ने अकबर से भी भेंट की, मुगल शासक अकबर से, और फतेहपुर सीकरी की भी यात्रा की। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। 1498 में मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुड़की पाली में मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498 में। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? भोजराज के साथ। संत मावजी का संबंध कहाँ से है? सावला गांव है, जो कि डूंगरपुर जिले में है। तो संत मावजी का संबंध है सावला गांव डूंगरपुर से। किसे कल्कि का अवतार कहा जाता है? संत मावजी को कल्कि का अवतार माना जाता है। रामचरण जी को माना जाता है राम स्नेही संप्रदाय का प्रवर्तक। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि बणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो बणेश्वर धाम राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में सोम जाखम और माही तीन नदियों के संगम पर स्थित है बणेश्वर धाम। आदिवासियों का कुंभ भी इसे कहा जाता है। बणेश्वर धाम का संबंध है संत मावजी से। बणेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? तो ये डूंगरपुर जिले में स्थित है। फूल डोल महोत्सव किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। अगला जो नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपना टॉपिक होगा वो राजस्थान के उत्सव त्योहार एवं मेलों से संबंधित होगा। ये ऑथेंटिक कंटेंट आपके महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी कंटेंट आपकी परीक्षा के कीमती समय को देखते हुए बनाया गया है, ताकि आप एक लंबे चौड़े और वाइड सिलेबस में ना फंसकर महत्वपूर्ण चीजों को सीख सकें, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकें। क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस हम देखते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो जाता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। आपको बहुत कुछ आता है। आप एक परीक्षा में एक योद्धा की तरह उतरिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ। अपनी कॉन्फिडेंस को लो ना करें और एक मजबूत तैयारी के साथ आप परीक्षा देने जाएं। आपके सपनों में जान है तो आपके सपने जरूर साकार होंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। कजली तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो ये माह है भाद्रपद मास की तृतीया को। कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये बूंदी में मनाया जाता है। होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। गणगौर का त्यौहार चैत कृष्ण प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष की तृतीया तक मनाया जाता है। तीज का त्यौहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? तो ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तीज का त्यौहार प्रसिद्ध है गुलाबी नगर जयपुर का। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? महावीर जी की। होली के अवसर पर गिद्दड़ नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? होली के अवसर पर गिद्दड़ नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावाटी में। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस त्यौहार से? होली से। होली के अवसर पर शेखावाटी में किया जाने वाला जो नृत्य है वो है गिद्दड़ नृत्य। नाहन का संबंध है, यानी नाहन कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है अक्षय तृतीया, जो कि एक अबूझ सावे के रूप में राजस्थान में मनाई जाती है। अबूझ सावे के रूप में प्रसिद्ध है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया।
जैन धर्म का सबसे पवित्र महत्वपूर्ण जो उत्सव है वो है पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व का संबंध किस संप्रदाय से है, किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है। ये कब मनाया जाता है? भाद्रपद में। बणेश्वर का प्रसिद्ध मेला कहाँ भरता है? डूंगरपुर में। आदिवासियों का प्रसिद्ध मेला सीताबाड़ी का मेला, जो कि शाहबाद तहसील बारा में है। और बणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, और आदिवासियों का प्रसिद्ध मेला है वो भरता है सीताबाड़ी शाहबाद तहसील बारा में। तेजाजी का प्रसिद्ध मेला भरता है पर्वतसर नागौर में, ये पशु मेला है। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर अजमेर में। पुष्कर मेला आयोजित होता है कार्तिक मास की पूर्णिमा को। पुष्कर का मेला कब आयोजित होता है? कार्तिक मास की पूर्णिमा को। जीण माता का मेला कहाँ लगता है? सीकर के रहवासा में। खाटू श्याम जी का मेला कहाँ भरता है? सीकर जिले में। भरथरी का मेला कहाँ लगता है? अलवर में। भरथरी का मेला भी वर्ष में दो बार लगता है। भरथरी का मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? दो बार, एक वैशाख में और एक भाद्रपद में। डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है? टोंक में। श्री महावीर जी का मेला कहाँ भरता है? सवाई माधोपुर जिले में, गंभीरी नदी के किनारे। करणी माता का मेला कहाँ भरता है? तो देशनोक बीकानेर के देशनोक में माँ करणी का मेला भरता है। चूहों की देवी के नाम से कौन सी देवी प्रसिद्ध है? करणी माता। बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुल देवी मानी जाती है करणी माता। करणी माता का मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? दो बार, एक बार चैत्र नवरात्रा और एक बार आश्विन नवरात्रा। चैत्र और आश्विन दोनों नवरात्रों में करणी माँ का मेला भरता है। शीतला माता का मेला कहाँ भरता है? चाकसू जयपुर में। शीतला माता का मेला कब भरता है? तो ये चैत्र की जो कृष्ण पक्ष है, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी अठवीं अष्टमी को लगता है, शीतलाष्टमी जब हम मनाते हैं। मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजी जाती है शीतला माता। कैला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? करौली। कैला देवी का मेला या मंदिर है वो करौली में। कौन सा मेला लक्खी मेला कहलाता है? कैला देवी का। किस लक्खी मेला वो होता है जिसमें लाखों भक्त आते हैं? तो लक्खी मेला, कैला देवी का मेला लक्खी मेला है। किस देवी के मंदिर से लांगुरिया गीत गाए जाते हैं? तो कौन सी देवी का मंदिर है जहाँ लांगुरिया गीत गाए जाते हैं? कैला देवी, क्योंकि कैला देवी में हनुमान जी के सामने लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है? कोलायत बीकानेर में। कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, कपिल मुनि का मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कहाँ भरता है? कोलायत बीकानेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ लगता है? अजमेर में। गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। गलियाकोट, ये गलियाकोट है, गलियाकोट डूंगरपुर। किस संत का उर्स लगता है यहाँ? फखरुद्दीन का। आदिवासियों का कुंभ कहलाता है बणेश्वर धाम, जो कि राजस्थान के दक्षिण में स्थित है, डूंगरपुर जिले में स्थित है। बणेश्वर मेला कब लगता है? माघ मास की पूर्णिमा को। बणेश्वर मेला कहाँ भरता है? नवा टापरा डूंगरपुर में। सुमेलित करने हैं, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है, और मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके लिए तैयार की गई। मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में आपको यहाँ से कई प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप एक बेहतर तैयारी के साथ एग्जाम दे और अपने मार्क्स इम्प्रूवमेंट में आपको जरूर यहाँ से मदद मिलेगी। नेक्स्ट जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो भी आपके लिए इसी तरीके का बेहतर कंटेंट वाला होगा। ग्रीष्म और शरद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये माउंट आबू में। मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उदयपुर में। मीरा महोत्सव मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ में। खाटू श्याम जी को माना जाता है श्री कृष्ण का अवतार। अब और सुमेलित कर लेते हैं अपन। एक तरफ मेले हैं तो एक तरफ उनका भरने का स्थान है। तो कल्याण जी का मेला डिग्गी टोंक, कपिल मुनि कोलायत, श्री महावीर जी स्वाई माधोपुर, करणी माता का देशनोक। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा वो होगी राजस्थान के वस्त्र और आभूषणों से संबंधित। तब तक आप
तैयारी को मजबूत करें। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। खुद भी पढ़ें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ने में मदद मिले।